एक्शन इन बैक ऑफ द हेड एज द डोनर एरिया, उसमें ये होता है कि जो बैक ऑफ द हेड के बाल हैं वो परमानेंट होते हैं, मजबूत होते हैं और सारी उम्र गिरते नहीं है। जैसे उसकी मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा कि अगर आप 100 साल के बाबे को भी देखें तो वो सारा बोल्ड हो जाएगा, बैक ऑफ द हेड पे बाल उसके होते हैं, तो वो परमानेंट होते हैं और सारी उम्र गिरते नहीं है। जब हम इनको आप आगे लगाएंगे इन दी बोल्ड एरिया तो सारी उम्र गिरते नहीं है, फिर उगते हैं, बढ़ते हैं और एक दिन में उतने ही बढ़ते हैं जितने बैक ऑफ द हेड पे बढ़ते हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इसको हम कहते हैं डोनर डोमिनेंस। जिस एरिया का बाल लेंगे उसी का करेक्टर साथ जाएगा, जितना एक दिन में वो यहाँ बढ़ता है उतना ही उधर बढ़ेगा, जितना वो यहाँ मोटा होता है उतना ही आगे होगा। तो सो अगर हम जैसे कोई और डोनर एरिया, जैसे आप कहना चाहते हैं कि बॉडी हेयर यूटिलाइज करते हैं, जैसे चेस्ट है, जैसे बियर्ड है, जैसे बैक ऑफ द चेस्ट है, जैसे लेग्स है, थाइज है, ये एरिया, तो आप देखें जो चेस्ट के हेयर है और बैक ऑफ द हेड के हेयर है उनमें बहुत सारे फर्क है। जैसे वो एक दिन में जितने वो बढ़ते हैं, ये बैक ऑफ द हेड वाले बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है और मोटे ज्यादा होते हैं, वो तीन बाल मिलाए तो इसके एक बाल के बराबर मोटे होंगे। तो मेनी मेनी रीजंस, डोनर डोमिनेंस है, फिर चेस्ट वाले बाल का ये नहीं है कि वहां जाके करेक्टर चेंज हो जाएगा, वो वैसे ही रहेगा, और कितने बाल ले लेंगे जितने मर्जी ले लें, वो इतना बल्क नहीं क्रिएट करेंगे जितना बल्क हम बैक ऑफ द हेड से क्रिएट कर देते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर डोनर एरिया वीक हो यानी बैक ऑफ द हेड का वीक हो तो देन ऑप्शंस क्या है? फिर ऑप्शंस बहुत फिर भी हमारे पास ओपन ऑप्शंस हैं। फिर तो हम दो चीजों पे जाएंगे। अगर नंबर वन के उसे एडवाइस करते हैं कि वो हेयर पीसेस यूज करें जिसको विग कहते हैं या ऐसे कहते हैं, बेटर ऑप्शन वही है। बट इवन देन इफ ही इज इंटरेस्टेड इन हैविंग हेयर ट्रांसप्लांट डन, तो फिर हम ये करते हैं कि उनको समझाते हैं कि देखें फिर उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ सकेंगे, फिर हम बियर्ड यूज कर लेंगे, चेस्ट यूज कर लेंगे, कुछ बैक ऑफ द हेड यूज कर लेंगे। तो मिक्सिंग अप बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट एंड बैक ऑफ द हेड दोनों को मिक्सअप करेंगे और फिर उस उनको, लेकिन पेशेंट शुड बी वेल एक्सप्लेन कि आपका रिजल्ट उस तरह से नहीं आ सकता कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है। वो थोड़ा सा फ्रंटल फोर लॉक कर देंगे ताकि वो बोल्डनेस को हल्का सा कवर करने का इमेज दिया जा सके, बट उससे कोई बहुत अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट करना ये फिर गलती होगी दोनों साइड पे, सर्जन की साइड पे भी और पेशेंट की साइड पे भी। तो दोनों को इन रियलिटी रहना पड़ेगा, पेशेंट को भी और सर्जन करने वाले सर्जन को भी, कि उससे जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे वो कोई ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं होंगे, वो जस्ट ऐसे एक इल्यूजन क्रिएट करेंगे कि कुछ बाल हैं ऑन द फ्रंटल बोल्ड एरिया।